राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। 3 बजे उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोगा मेड़ी में कर दिया गया। लेकिन सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार तो हो चुका है। प्रशासन ने सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत से इस बात का आश्वासन दिया है कि जितनी भी मांगे सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की पत्नी कर रही हैं, उनके समर्थक कर रहे हैं, वो सभी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन इसी बीच गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आया है जिसमें उसने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को लेकर कई बातें की हैं और इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिलवाया गया ये बातें भी उसने बताई हैं। तो ये बातें हम आपको एक एक करके बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे राजस्थान के मौजूदा यानी कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्यामनगर जयपुर का जो इलाका है जिस थाने के अंतर्गत आता है उस थाना के SHO साहब और जो बीट ऑफिसर होता है IO सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक एक बातें रोहित गोदारा ने अपने इस बार दूसरी पोस्ट में किया है वो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की अगर मैं कोशिश करूं तो गैंगस्टर रोहित गोदारा जिसने सबसे पहले इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद एक तरह से कहें खलबली मच गई तो शायद गलत नहीं होगा। रोहित गोदारा ने इस पोस्ट को कुछ देर के बाद कुछ घंटों के बाद डिलीट कर दिया था लेकिन बाद में इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और जब लॉरेंस बिश्नोई पर बात आई तो वो बातें अमेरिका तक बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी इसमें अपने आप जुड़ गया। इस बार रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किए उसमें उसने साफ तौर से लिखा है सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी पंजाब में 29 मई 2022 उस केस के बाद ये तय हो चुका था गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग एंड कंपनी की तरफ से कि बहुत जल्दी सुखदेव सिंह उर्फ गोगा मेड़ी की हत्या कराई जा सकती है और इसके लिए उसने कई सारी बातें बताई हैं जो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले अगर आपसे मैं ये कहूँ या जो अभी सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद एक तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उनके बारे में जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं राजपूत समाज इकट्ठा हो चुका है ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि राजस्थान से अलग दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश अलग अलग जगहों पर जो संत समाज है राजपूत समाज है ये लोग उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये तो सही है हर हत्याकांड के बाद ऐसे ही होता है। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी वहाँ भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी लेकिन अब देखिए रोहित गोदारा का जो दूसरा पोस्ट है अब गैंगस्टर का ये पोस्ट है या नहीं है लेकिन पहला पोस्ट आया था उसी आधार पर पुलिस ने भी बताया था तो दूसरा पोस्ट में रोहित गोदारा का ही हो सकता है इस बात की पुष्टि की जा सकती है। रोहित गोदारा ने इस पोस्ट में जो लिखा है उसमें उसने लिखा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तभी यह तय हो गया था कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या कराई जाएगी क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा जो थे वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर उस वक्त आ गए थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह उसने ये बताई है रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा से उनका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ बातचीत चल रहा था जो मामला फंस रहा था। तीसरी बात उसने ये बताई है कि सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा एक तरह से आरोप उसने लगाते हुए लिखा है कि वो बलात्कारी था लोगों को नीच साबित करना चाहता था कुछ इस तरह से बातें रोहित गोदारा ने कही। ये मेरे शब्द नहीं है ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखे हुए हैं। अब राजपूत समाज पहले से ही आक्रोशित है और ऐसे में रोहित गोदारा का ये पोस्ट जो निकल कर सामने आया है इससे राजपूत समाज और भी ज़्यादा बौखलाहट या फिर और ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई लोग इस तरह से सवाल उठा रहे थे कि राजपूत को क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसे क्यों मरवाया। देखिए इस सवाल का जवाब यही है कि आपसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो बातें अब रोहित गोदारा के जरिए निकल कर सामने आ रही हैं तो इसमें भी संभावित कोई सच्चाई हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये काम पुलिस का है पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों को सबके सामने लेकर आएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा का अंतिम संस्कार जो नहीं हो पा रहा था उनकी पत्नी शीला शेखावत का यही कहना था कि जितने भी राजपूत बहन भाई हैं वो सब आवाज़ उठाएं इकट्ठा हो ताकि आरोपियों का एनकाउंटर हो फांसी हो या फिर उन्हें सजा हो।
प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में सख्ती बरती और ये एक तरह से अल्टीमेटम दिया या ये कहकर मामले को शांत किया कि 72 घंटे में जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो कहीं भी हों, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है। राजस्थान के DGP उमेश कुमार मिश्रा ने भी इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से एक SIT का गठन किया और दिनेश MN को इस SIT का जो है हेड बनाया। दिनेश MN वही हैं जिन्होंने गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कुछ साल बाद जेल भी जाकर आए थे, कई सालों तक वो जेल में भी कैद रहे, लेकिन जब वो बहाल हुए तो वापस जब उन्हें चार्ज मिला तो दिनेश MN जहां पर जाते हैं उनकी तो एक ही काबिलियत है, वहां से अपराध मुक्त तो हो जाता है। चाहे वो कोई केस हो या फिर कोई अपराधी हो, गैंगस्टर हो, दिनेश MN सबका सफाया कर देते हैं, वहां पर शांति होती है। इसीलिए दिनेश MN को इस केस में लगाया गया है। अब अशोक गहलोत का नाम कैसे आ रहा है? देखिए, अशोक गहलोत का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अशोक गहलोत जो राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ FIR हो चुका है। FIR इसलिए हुआ है क्योंकि पंजाब की पुलिस ने एक लेटर भेजा था 24 फरवरी और फिर मार्च के महीने में कि सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा की हत्या की प्लानिंग पंजाब के जेलों में बैठकर रची जा रही है और बाकायदा लेटर ये जारी हुआ था। और दूसरी तरफ सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा भी इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था जो प्रदान करना होता है वो नहीं किया। और अब जब उनकी हत्या हो गई तब इस बात को लेकर भी राजपूत समाज राजस्थान के सरकार खासतौर से अशोक गहलोत के खिलाफ आ चुका है। तीसरी बात एक और बहुत अहम है और हैरान करने वाली है। अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है कि उन्होंने मीटिंग करवाई थी, यानी कि आपसी समझौता जो होता है उसके लिए मीटिंग करवाई थी। अब देखिए ये बातें कितनी सच हैं कितनी गलत हैं नहीं पता, लेकिन रोहित गोदारा के पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के जरिए इनकी मीटिंग हुई थी। अगर इन सब बातों में सच्चाई है तो वाकई में राजस्थान में जो हमने देखा कई सालों से, राजस्थान में यही सुनने को मिलता है गैंगस्टर किस तरह से लोगों से रंगदारी मांगते हैं। अब देखिए रोहित गोदारा की मैं बात करूं तो रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर जिले के लूड़ करण स्तर का रहने वाला है। ये 2010 में अपराध की दुनिया में आया और कहा जाता है कि अपनी पत्नी से विवाद हुआ इसका। विवाद होने के बाद ये जो जुर्म की दुनिया में, जराइम की दुनिया में घुसा, उसके बाद बाहर नहीं निकला। लोगों से इसकी जो रंगदारी मांगने की शुरुआती एक्सटॉर्शन मनी जो होती है वो 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक होती है, यानी ये उसी को टारगेट करता है जो इसके निशाने पर आता है या जिसके बारे में पुख्ता जानकारियां यह हासिल कर लेता है। तो यही सारी कहानियां हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है लेकिन अशोक गहलोत बहुत बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत के लिए अगर हम ये कहें कि एक तो उनकी सत्ता चली गई, दूसरी सत्ता जाने के बाद जो अब उनके नाम पर FIR हुआ है, खैर एक मुख्यमंत्री के नाम पर FIR हुआ तो शायद उनके लिए बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन अशोक गहलोत का जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर है वो शायद ख़त्म हो सकता है। और दूसरा एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी, दोस्तों आप सभी को पता है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाला के जो चाहने वाले लोग थे उन्हें सर्च कर रहे थे। दूसरी बार मैं 4 से 5 साल से लगातार अपराध की खबरों को कवर करता हूँ, आपसे बताता हूँ, मैंने नहीं देखा है कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अगर किसी खबर की चर्चा और हुई हो सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा के अलावा तो किसी और की हुई होगी। ठीक उसी पैटर्न पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है, लेकिन इसका अंत कहाँ पर होता है, कंक्लूजन कहाँ पर निकलता है, ये खैर देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए PDF न्यूज़। नमस्कार।